Hello everyone, here is a video related to the topic rational numbers of class 8. We are starting from chapter number 1, rational numbers. Students, ये आपके contents हैं, आपकी book में लगभग 17 chapters हैं, ठीक है? First chapter आपका rational numbers है, जो आपने पिछली class से ही पढ़ा था. चलिए शुरू करते हैं rational numbers से. लेकिन हाँ, इसमें कुछ properties आपकी extra दी गई हैं. आपने पिछली क्लास में सेवेंथ में प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स नहीं पढ़ा था, लेकिन इस क्लास में प्रॉपर्टीज हैं, उनका यूज करना है. ठीक है स्टूडेंट, पिछली क्लास में आपने नेचुरल नंबर्स पढ़ा था, होल नंबर्स पढ़ा था, इंटीजर नंबर्स पढ़ा था. मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं. देखिए, नेचुरल नंबर्स आपके होते हैं काउंटिंग नंबर्स, जैसे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, etc. ठीक है, ये आपके होते हैं काउंटिंग नंबर्स. ये जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ये आपके कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स. ठीक, होल नंबर क्या होता है? अगर हम इन नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड कर दें, यानी कि जीरो से हम स्टार्टिंग करें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो ऑन. ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा होल नंबर्स. अब आता है इंटीजर्स नंबर्स. इंटीजर नंबर क्या होता है? अगर हम होल नंबर के साथ नेगेटिव नंबर्स भी ले लें, अगर हम होल नंबर्स के साथ नेगेटिव नंबर्स भी ले लें, तो वो आपके इंटीजर नंबर्स हो जाते हैं. जैसे 0, 1, 2, 3, 4 है, ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4. लेकिन ये तो सारे नंबर पॉजिटिव है, ये सारे नंबर पॉजिटिव है, और हमें क्या लेना है? नेगेटिव नंबर्स लेने हैं. तो हम कैसे लेंगे? -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे. तो इन नेगेटिव नंबर्स के साथ जो होल नंबर होते हैं, वो इंटीजर नंबर्स कहलाते हैं. इस चैप्टर में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पढ़ेंगे, लेकिन किसके बारे में? रेशनल नंबर्स के बारे में. ठीक है, जो रेशनल नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उनमें आपके प्रॉपर्टीज का यूज होगा. ठीक, तो यहां पर देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स दी हुई हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन फॉर रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर के लिए एडिशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? नंबर वन प्रॉपर्टी होती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर टू कमुटेटिव प्रॉपर्टी, नंबर थ्री एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, ये मेन तीन प्रॉपर्टीज आपकी होती हैं. अब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी. क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है? दो रेशनल नंबर्स का सम भी एक रेशनल नंबर होगा, यानी अगर हम दो रेशनल नंबर्स को प्लस करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर में ही आएगा. जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, 2 by 3 plus 1 by 2 equals to, आपको एलसीएम लेना सिखाया था मैंने पिछली क्लास में, वो आपको आता होगा. ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रही हूं यहां पर, 4 plus 3 by 6, यानी क्या है इसका आंसर? 7 by 6. तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है. तो अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी, दो रेशनल नंबर का सम भी एक रेशनल नंबर ही होता है. तो जो आंसर आया है, वो भी हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर ही आया है. यही प्रॉपर्टी आपकी सब्ट्रैक्शन में लगती है, मल्टीप्लिकेशन में भी लगती है, बट डिवीजन में रेशनल नंबर नहीं भी हो सकता है. ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसका जो आंसर आया डिवीजन में वो एक रेशनल नंबर ही हो, वो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो फिर डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है. अब है आगे आपकी कमुटेटिव प्रॉपर्टी. इसमें क्या होता है? जो आपके नंबर की पोजीशन होती है, वो चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो देखते हैं क्या असर पड़ता है चेंज करने से. ठीक है, जैसे पहले हम इसको एक सिंपल फॉर्मूले समझ लेते हैं, अभी हम रेशनल फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं. a प्लस बी इक्वल्स टू वी प्लस ए,
मान लो हमारे पास ए क्या है 2 और बी क्या है 3, ठीक। अगर हम ए और बी की वैल्यू इसमें रखें तो 2 + 3 = 3 + 2, यानी 2 पहले लिखें या फिर 2 बाद में लिखें, लेकिन हमारी एडिशन करके जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है, इधर भी 5 और इधर भी 5, यानी जो कमुटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन को फॉलो करती है, यानी एडिशन हमेशा कमुटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अच्छा, इसको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास रेशनल नंबर क्या है 1/2 + 2/3 है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे करें 2/3 + 1/2, तब भी कोई चीज नहीं आएगा, तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। ये देखिए, तो एडिशन जो है वो कमुटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, लेकिन ये रूल सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। जैसे a - b ≠ b - a, चलिए सब्ट्रैक्शन वाला भी हम एक एग्जांपल समझ के देख लेते हैं। मान लीजिए आपका a क्या है 2 है या b आपका 3 है, जैसा भी हमने पीछे माना था, तो 2 - 3 = 3 - 2। अब देखिए ये छोटा नंबर है और ये बड़ा है, ठीक है। जब छोटे में से हम बड़ा माइनस करेंगे तो होगा तो माइनस ही, लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में, माइनस का 1 और यहां पर प्लस का 1। तो क्या ये फॉलो कर रहा है कमुटेटिव प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन? नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि एक आपका आंसर आ रहा है पॉजिटिव में और एक आ रहा है नेगेटिव में, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है इस रूल को। इसी प्रॉपर्टी को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में भी समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास दो रेशनल नंबर है 2/5 and 4/7। अब हमें इनको कमुटेटिव प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो 2/5 - 4/7 हमने किया, ठीक। एलशियम लेना, मैंने आपको बताया था कैसे एलशियम लिया जाता है, हमने एलशियम लिया और इक्वेशन को सॉल्व किया, ठीक। तो 14 - 20 / 35 आया है। अब 14 छोटा नंबर है और 20 एक बड़ा नंबर है, तो छोटे नंबर में से हम बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -6/35, ठीक है। एक इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई है। अब दूसरी की तरफ चलते हैं, अगर हम इसका उल्टा कर दें यानी बी माइनस ए कर दें, तो 4/7 - 2/5, सेम वही एलशियम लिया हमने, सॉल्व किया इसको, तो हमारा आंसर आ रहा है 6/35, जो कि पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो इसीलिए कमुटेटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है। अब आता है आपका मल्टीप्लीकेशन, कमुटेटिव प्रॉपर्टी इसको फॉलो करती है कि नहीं करती है। तो रेशनल नंबर जो है वो मल्टीप्लीकेशन में कमुटेटिव होते हैं, कैसे? अगर हम a * b = b * a करें, तो जो हमारा इसका रिजल्ट होगा और जो इसका रिजल्ट होगा वो भी सेम टू सेम ही होगा। जैसे 2 * 3 = 3 * 2 = 6, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में हमारी पोजीशन चेंज हो सकती है, हम 2 पहले लिख सकते हैं, 3 बाद में लिख सकते हैं, तो ये किया जा सकता है। अच्छा, एक एग्जांपल हम रैशनल नंबर के हिसाब से देख लेते हैं, -4/5 * 3/7। देखिए हमारे पास है -4/5 * 3/7, तो सीधे सीधे हम क्या कर रहे हैं, -4 * 3/5 * 7, हमारा जो आंसर आ रहा है -12/35 आ रहा है। अब हम बी वाला जो पार्ट है इसको हम पहले रख रहे हैं और ए पार्ट को बाद में, यानी हम उल्टा कर रहे हैं, हम प्लेस चेंज कर रहे हैं। तो 3/7 * -4/5 हम जब करेंगे तो 3 * -4 / 7 * 5, तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 4 × 3 = 12, लेकिन माइनस के, तो -12/35, यानी कि ये भी हमारा सेम है, ये भी हमारा सेम है। ये आया आपका
105 डिवाइड बाय 42। ठीक, अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे 7/3, तो 14 डिवाइड बाय 15 रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, तो क्या आएगा 42 डिवाइड बाय 105। तो क्या ये आंसर और ये आंसर हमारा आपस में मैच कर रहा है, इक्वल है, ये नहीं इक्वल है। ठीक है, इसलिए ये डिवीजन को फॉलो, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। मैं आपको ये जो प्रॉपर्टी है इन्हीं में ही सब समझा रही हूँ, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्योंकि आपकी जो ये बुक है, ये जो चैप्टर है, इसमें आपको अलग अलग समझाया गया है, तो मैं अलग अलग ना समझा के एक ही प्रॉपर्टी में सारी चीजें समझा दे रही हूँ। नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव यानी कि जुड़कर रहना। इसमें माना तीन रेशनल नंबर है, तो इसमें से दो ब्रैकेट में होंगे और एक नंबर ब्रैकेट से आपके बाहर होगा। ठीक है, लेकिन वो एसोसिएट रहेगा, जो ब्रैकेट के अंदर है नंबर उनसे एसोसिएट रहता है। कैसे, चलिए देखते हैं। इस तरह से होता है एसोसिएटिव में, एक नंबर हमारा कोई बाहर रहेगा, बाकी के दो नंबर ब्रैकेट में रहते हैं, उधर ये दो नंबर ब्रैकेट में और एक नंबर बाहर। ये जो सी है ये पहले ब्रैकेट के अंदर था, ठीक, और हमारा जो बी था पहले ब्रैकेट के अंदर था, अब भी ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन जो ए पहले बाहर था वो अब ब्रैकेट के अंदर आ चुका है। ठीक है, ये इसका होता है ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल्स टू ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसको देखिए सॉल्व करके देखते हैं। माना हमारे पास ए है 2 प्लस बी है 3 प्लस सी है हमारा 4। तो अब हमारे पास ए क्या था, 2 था, और बी था हमारे पास 3, लेकिन हो गया ब्रैकेट के अंदर, और सी कितना है हमारा, सी हो गया हमारा 4। तो पहले तो हम ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, 3 प्लस 2 5 प्लस 4 ये। ठीक है, तो 7 प्लस 2 कितना हुआ 9 और 5 प्लस 4 9, यानी कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एडिशन फॉलो करता है। मतलब जो बाहर नंबर होता है वो ब्रैकेट वाले नंबर से एसोसिएट होकर रहता है, होता बाहर है बेशक, लेकिन वो घर से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए है 2, बी है 3 और सी है आपका 1, ऐसे इधर ए हो गया आपका 2, बी हो गया आपका 3 और सी है आपका क्या माइनस का 1। तो 2 जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है, तो अंदर वाले साइन सारे चेंज हो जाते हैं, ये आपको मैंने बताया था। 2 माइनस 3 प्लस 1 और इधर क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1। ये तो क्योंकि ऑलरेडी बाहर ही है ना, तो इसकी वजह से अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन हाँ अगर ये ब्रैकेट वाली चीज इधर इसके इधर होता तो शायद, लेकिन बीच में माइनस का भी साइन होता तो चेंज हो जाते। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आया, हम प्लस प्लस वालों को एक साथ रख लेते हैं, 2 प्लस 1 माइनस का 3 यानी 3 माइनस 3 जीरो हो गया ये तो, और इधर 2 माइनस और माइनस आपको पता है क्या होता है, ऑपरेशन आपका प्लस का होगा लेकिन साइन जो होता है हमेशा बड़े का होगा, तो माइनस और माइनस क्या होगा, ऑपरेशन प्लस होगा लेकिन साइन बड़े वाले का आएगा। ठीक है, तो 2 माइनस 4 इक्वल्स टू, 2 में से माइनस और 4 हम जब माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा माइनस का 2, तो क्या ये और ये इक्वल आ रहा है, ये नहीं है, 0 नॉट इक्वल टू माइनस का 2। इसी तरह से ये डिवीजन में भी अप्लाई होता है, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होता है, और लेकिन ये डिवीजन में फॉलो नहीं करती है। ठीक है, सेम इसी तरह के एग्जांपल्स हैं सब में, तो इसलिए मैं अभी आगे बताती हूँ। एक आपका दिया हुआ है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि अगर हम किसी इंटीजर में 0 ऐड करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है। ये तो आपको पता ही है कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं
तो हमेशा वही वैल्यू लौट के आ जाती है। ये देखिए, हमने माइनस फोर में जीरो प्लस किया तो हमारा आंसर भी क्या आ रहा है, माइनस का फोर। जो हमारी वैल्यू ऑलरेडी थी वो ही आएगी। जीरो में हमने पॉजिटिव नंबर ऐड किया है तो भी हमारे पास क्या आया, जो नंबर था वो वापस से मिल गया है। इसलिए हम जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। अच्छा, जीरो में अगर हम कोई रेशनल नंबर प्लस कर रहे हैं तो भी हमें क्या वापस मिल रहा है, एक रेशनल नंबर ही वापस मिल रहा है। अच्छा, जैसे आपका जीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी है, उसी तरह से एक आइडेंटिटी और होती है, वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो क्या होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो होती है आपका वन। यानी कि अगर हम किसी भी नंबर में वन की मल्टीप्लाई कर दें तो हमेशा वो नंबर वापस से मिल जाता है। ठीक है, जैसे टू मल्टीप्लाई वन, यानी कि टू में हम वन की मल्टीप्लाई करें तो वापस से क्या मिलेगा, हमें टू ही मिलेगा। 3 by 2 मल्टीप्लाई वन तो क्या मिलेगा, वापस से 3 by 2। इसलिए हम इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक आपका एडिटिव इनवर्स है। ये क्या होता है आपका एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, जो आपके नंबर का साइन है हम उसको चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारा कोई एक पॉजिटिव नंबर है तो वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव नंबर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास एक रेशनल नंबर है माइनस ए डिवाइड बाई वी, तो अगर हमसे इसका इनवर्स पूछा जाए तो इसका इनवर्स हो जाएगा ए अपॉन वी। ठीक, और अगर हमें दिया हो ए अपॉन वी इसका इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन वी। यानी कि एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, एक आपकी प्रॉपर्टी इसमें रह गई है, वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। यानी कि जीरो की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अच्छा, जैसे आपको अभी पीछे पता था, आपने पढ़ा है, ये जो मैं अभी पढ़ा रही थी कि जीरो की जो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, उसी तरह से इसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो भी होती है। यानी कि अगर हम कोई नंबर ऐसा है जिसकी जीरो से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि टू मल्टीप्लाई जीरो कर दें, तो हमेशा उसका जो आंसर आएगा आपको पता है अच्छे से, जीरो ही आएगा। यही इसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है जीरो की। ठीक है, चलिए अब हम एक रेशनल नंबर ले लेते हैं, 2 by 6 इक्वल्स वो सॉरी मल्टीप्लाई जीरो, तो क्या होगा, जीरो ही आएगा। ठीक, अच्छा जीरो कैसे आएगा, डायरेक्टली तो जीरो नहीं आएगा, तो 2 by 6 इंटू 0 by 1 हम समझेंगे नीचे। ठीक, तो 2 इंटू 0 अपॉन 6 इंटू 1, यानी कि ऊपर तो 0 हो गया और नीचे 6। अब चूंकि ऊपर 0 है तो ये क्या वैल्यू आएगी इसकी, 0। ठीक है, क्योंकि डिविजन वाइज 0 जो होता है आपको पता है नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, अगर हम 0 से किसी भी चीज को मान लीजिए 6 by 0 है, अगर हमारा इसका जस्ट अपोजिट होता है ये, तो इसकी जो वैल्यू आती क्या होती है, वो नॉट डिफाइंड होती है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, या फिर हम कह सकते हैं वो इन्फिनिटी होती है।